दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया और पहले चरण के चुनाव में मतदान फीसदी में कमी आने के बाद दूसरे चरण में बीजेपी के दिग्गजों ने मरुधरा में धुआंधार जनसभा और रोड शो किए और अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे के साथ बंद हो गया। इससे पहले राजस्थान के चुनावी रण में पहले और दूसरे दौर में बीजेपी के स्टार प्रचारकों समेत तमाम नेताओं ने पूरा दमखम लगाया। अगर पहले चरण में दिग्गजों के चुनावी दौरों की बात की जाए तो पहले चरण में केंद्रीय नेताओं के दौरे, पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे 2 अप्रैल को कोटपुतली में किया दौरा, 5 अप्रैल को चूरू के दौरे पर रहे, 6 अप्रैल को पुष्कर का दौरा, 11 अप्रैल को करौली में दौरा किया, 12 अप्रैल को बाड़मेर के दौरे पर रहे तो वहीं 12 अप्रैल को ही दौसा का दौरा भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे 31 मार्च को सीकर, जयपुर के दौरे पर रहे, 1 अप्रैल को जोधपुर का दौरा किया, 13 अप्रैल को अलवर के दौरे पर रहे तो वहीं 15 अप्रैल को जयपुर के दौरे पर रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे 3 अप्रैल को 12 झालावाड़ के दौरे पर रहे, 8 अप्रैल को संगरिया का दौरा किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे 7 अप्रैल को कोलायत, पिलानी, जयपुर के दौरे पर रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे 7 अप्रैल को वैर, लालसोट, रिंग्स में किया दौरा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी के दौरे 10 अप्रैल को तिजारा, अलवर शहर, राजगढ़ के दौरे पर रहे, वहीं 16 अप्रैल को उदयपुर वाटी, चोमू और आमेर का किया दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के दौरे 10 अप्रैल को बीकानेर का किया दौरा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दौरे जयपुर शहर में 2 प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लिया। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 14 नेताओं ने 37 सभाएं, 10 रोड शो, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य सम्मेलन किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत राज्य के नेताओं ने भी पूरी ताकत लगाई। वहीं दूसरे चरण में दिग्गजों के प्रदेश में चुनावी दौरों की बात करें तो दूसरे चरण में दिग्गजों का दौरा, पीएम मोदी के दौरे 21 अप्रैल को भीनमाल, बांसवाड़ा का दौरा किया, 23 अप्रैल को उनियारा के दौरे पर रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे 19 अप्रैल को भोपालगढ़, उदयपुर का दौरा किया तो वहीं 20 अप्रैल को भीलवाड़ा, कोटा के दौरे पर रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे 23 अप्रैल को जोधपुर दौरे पर रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा 20 अप्रैल को निम्बाहेड़ा, ब्यावर, जोधपुर का दौरा किया। हरियाणा के सीएम नायब सैनी के दौरे 19 अप्रैल को बालोतरा, मंडोर, जोधपुर का दौरा किया। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के दौरे 23 अप्रैल को पाली, जोधपुर का दौरा किया, 24 अप्रैल को जैसलमेर, बाड़मेर के दौरे पर रही। दरअसल लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद 40 दिनों में राजस्थान में वरिष्ठ नेताओं के साथ ही राज्य के नेता सत्ता के महासंग्राम में उतरे और राजस्थान के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करने की पूरी कोशिश की। डॉक्टर विनय सहस्त्र बुद्धि ने कहा कि भाजपा चुनाव को मतदाताओं को कामकाज का हिसाब किताब देने और उच्च जनतांत्रिक मूल्यों के रूप में देखती है। वोटर, मतदाता और उसको हमारे काम का हिसाब किताब देने की आवश्यकता को एक उच्च जनतांत्रिक मूल्य के रूप में हम देखते हैं और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री समेत सारे वरिष्ठ नेता जी तोड़ मेहनत करते हैं। इसके साथ ही विनय सहस्त्र बुद्धि ने कहा कि बीजेपी के 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस शब्दावली का उपयोग किया था क्योंकि बीजेपी परफॉर्मेंस की बात करती है। फिलहाल दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब देखने वाली बात होगी कि दिग्गजों की रैलियां और जनसभाओं का कितना असर जनता पर पड़ता है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।